नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दौर पर हैं। काठमांडू में होने वाले बिस्मटेक के चौथे सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। बिस्मटेक में 7 देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में बिम्सटेक के नेता संयुक्त रूप से सम्मेलन के आयोजक नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करेंगे। कल बिम्सटेक का समापन सत्र होगा। सूत्रों की माने तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही असम में हुए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC के विषय पर दोनों देश के प्रधानमंत्री इस पर चर्चा भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह श्रीनगर से हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी आतंकी फंडिंग के मामले में की गई है। सूत्रों के मुताबिक NIA ने उनके घर पर पहले छापा मारा, जहां से उन्हें कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। इसके आधार पर सैयद शकील अहमद को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इससे पहले भी NIA सलाउद्दीन के एक बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले साल NIA ने शाहिद की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी किया था, तभी से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आरक्षण और किसान की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज हार्दिक के अनशन का 6ठा दिन है, लेकिन अनशन के 5वें दिन यानी बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल से बुधवार को बर्खास्त IPS अधिकारी संजीव भट्ट और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता करसन सोलंकी मुलाकात की। वहीं पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति की ओर से वकील BM मांगुकिया ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि हार्दिक अपने घर पर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अहमदाबाद शहर सेक्टर 1 के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विश्वकर्मा लोगों को उपवास स्थल पर जाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने एक बार गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला 12वीं में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट एग्जाम कॉपी गुम हो जाने की संबंधित है। बता दें कि ध्रुव नाम के स्टूडेंट की इंग्लिश विषय की कॉपी CBSE वालों से खो गई थी और उन्होंने खोई हुई एग्जाम कॉपी को ढूंढने की जगह दूसरे स्टूडेंट की कॉपी के नंबर ध्रुव को दे दिए थे, जो कि नंबर उसकी उम्मीद से बहुत कम थे। जिस मामले में स्टूडेंट के पिता ने हाईकोर्ट से इंसाफ की मांग की है और दोबारा पेपर देने पर ध्रुव के 2 गुना नंबर आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और अमानवीय चेहरा सामने आया है। मामला गाजियाबाद और मेरठ से जुड़ा हुआ है, जहां मेरठ में कुछ दिनों पहले युवती को जिंदा जला दिया गया था। वहीं आरोपी की तलाश मेरठ पुलिस कई दिनों से कर रही थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों ने पैसे की लालच में आरोपी को मामले धाराओं में जेल भेज दिया और जिंदा जलाई गई पीड़िता के इंसाफ का सौदा कर दिया है। वहीं इन सब बातों का पता लगने पर 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मृत युवती के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब बेटियों को इंसाफ दिलाने के नाम पर रुपए की दलाली पुलिस वाले ही करेंगे, तो फिर कैसे बेटियां सुरक्षित होंगी। थाना लिंक रोड से संबंधित प्रकरण है। जनपद मेरठ के थाना सरजना क्षेत्र के एक हिनस क्राइम के अभियुक्त को थाना लिंक रोड थाने के 2 सिपाहियों से मिलीभगत कर उन्हें फर्जी एक मुकदमे में गिरफ्तार कराने का आरोप थाना लिंक रोड के पुलिसकर्मियों पर लगा था। मामला यूपी के अमरोहा नगर का है, जहां जर्जर हो चुके इमाम बाड़े की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी राहत कार्य में जुट गए हैं। बच्चे इमामबाड़े में खेल रहे थे, बारिश के बाद ऊपर जो छज्जा बना हुआ था, जो पुराना छज्जा था और उसके ऊपर एक दीवार थी, वो दीवार जो है छज्जे पर गिरी और छज्जा नीचे आया, पूरा मलबा था, उसमें कम से कम 8-10 लोग जो है वो इंजर्ड हुए। शादी समारोह था, उसमें लोग आए हुए थे और इसकी एक दूसरे मंजिल की दीवार खड़ी हुई थी, केवल दीवार की इस पर छत नहीं थी, वो दीवार ढह गई, उसकी चपेट में आके 2 बच्चों की मौत हो गई और 2। मामला यूपी के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट का है, जहां मनोरंजन कर विभाग के कर्मचारियों ने 2 दिन का कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया, जिसके चलते 2 दिन से मनोरंजन कर विभाग ने पूरी तरह से काम रुक गए हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मनोरंजन कर निरीक्षण
SN रावत ने बताया कि यूपी सरकार ने GST लागू करने के बाद 6 फरवरी 2018 को हमारे विभाग के सभी कर्मचारियों को वाणिज्य कर विभाग से संबद्ध कर दिया था, लेकिन निरीक्षकों को ना तो मनोरंजन कर विभाग में कोई कार्य दिया गया और ना ही वाणिज्य कर विभाग से ही संबद्ध किया गया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ। GST लागू होते ही मनोरंजन कर विभाग GST के अंतर्गत चला गया, किंतु मनोरंजन कर विभाग की जो कर तो चला गया, परंतु जो स्टाफ है स्टाफ का मर्जर अब तक नहीं हुआ। मामला गाजियाबाद का है, जहां बीती 25 तारीख को राजीव ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस को युवक पर शक होने पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि गरीबी से परेशान होकर वो बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी गर्भवती पत्नी का कत्ल कर दिया और लाश को क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास नाले में फेंक दिया था। ये देखिए, 25 तारीख को डूना हेड़ा के पास एक नाले में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहले इसको मोर्चरी में रखा गया, बाद में इसके भाई के द्वारा आकर के इसकी शिनाख्त की गई। और जब और जानकारी की गई तो पता चला कि पूर्व में इसके पति के द्वारा हत्या करने के उपरांत थाने पर आकर के गुमशुदगी लिखाई गई थी। मामला पीलीभीत के थाना बिलसंडा का है, जहां एक ही परिवार के दो बच्चों की अचानक मौत हो गई। वहीं एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। बच्चों के पिता ने बताया कि कल शाम को सभी ने अरहर के दाल की खिचड़ी खाई थी, तब परिवार के सभी बच्चे ठीक ठाक थे, अचानक सुबह बच्चों की हालत बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। वहीं परिवार के दो बच्चों की मौत से परिवार सदमे में है और पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बोला कि रिपोर्ट के आधार पर ही मौत की असली वजह का पता लग पाएगा। ये अभी CSC संडा से एक महंगे थाने पर पहुंचा था कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, उनकी मृत्यु हो गई। शाम खिचड़ी बनाई है, सबने खाई, रात में 2 बजे बीमार हुई, सुबह खत्म हो गई। दो बहनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना गाजियाबाद के शाहिबाबाद इलाके का है। देर शाम ट्यूशन से घर लौट रही एक छात्रा को महिला ने घर के अंदर खींच लिया। महिला ने पुराने विवाद के चलते लड़की को अपने दोनों लड़कों से पिटवाया। छात्रा को बचाने आई उसकी बहन के साथ भी जमकर मारपीट की गई। दोनों लड़कियों का मेडिकल कराया गया, दोनों को गंभीर चोट लगी है। दोनों छात्राओं ने लड़कों पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। इसको बचाने के चक्कर में उन लोगों ने मुझे इतनी कसकी धक्का दिया कि मेरी काफी चोट आई, लेकिन ये बेहोश हो गई थी। इसके साथ बदतमीजी वगैरह भी करी थी उन लोगों ने घर के अंदर बैठकर। सर आधे घंटे में पुलिस आई। मैं ट्यूशन से आ रही थी ना, तो घर में थोड़ी मेरी बहन से बहस कर रही थी। उन लड़कों ने मुझे छेड़ा था, मेरी मम्मी ने उनसे उनकी अम्मी से कह दिया था, तो उन लड़के और की मम्मी उनकी साइड ले रही थी और मुझे गलत गलत कह जा रही थी गली में। और फिर मैं आई ना ट्यूशन से, अचानक मैं घर में भी नहीं घुसी, उन्होंने मुझे घर के अंदर खींच लिया अपने। आज ये हुआ था कि अब से पहले एक घटना हुई थी कि इन्हें छेड़छाड़ी करी थी, उससे पहले इस लड़की को टम्पू में भी खींचा था उन लड़कों ने। पुलिस में रिपोर्ट करी थी तो पुलिस वालों ने उनका ही पक्ष लेते हुए फैसला कर लिया था। मामला यूपी के मऊ जनपद का है, जहां DCS के PG कॉलेज में एडमिशन नहीं होने से नाराज छात्रों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को अपनी मांग पत्र सौंपा। छात्रों की मांग थी कि नगर क्षेत्र के एकमात्र कॉलेज में 1500 छात्रों की सीटें हैं, लेकिन मात्र 1100 छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है। बाकी बची सीटों पर कॉलेज प्रशासन छात्रों का एडमिशन जल्द से जल्द करे। वहीं छात्रों ने यह भी कहा है कि कॉलेज के प्राचार्य ने पिछले साल के अपने ही बनाए गए नियम को पलटते हुए बच्चे छात्रों का एडमिशन नहीं किया गया है। अगर कॉलेज प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तो वे आने वाले दिनों में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। धरना चाह चुकी है जिले के मुख्य कॉलेज DCS के PG कॉलेज में। छात्रों की जो BA की सीटें 1500 सीटें हैं, जिसमें मात्र 1100 सीटों पर एडमिशन लिया गया है, बाकी 400 सीटें खाली हैं। हम लोग चाह रहे हैं उसके जो भी छात्र कॉलेज में आ रहे हैं, लगभग 700 छात्र जो कॉलेज में आ रहे हैं प्राचार्य जी से मिल रहे हैं, और प्राचार्य जी का कहना है कि हम एडमिशन नहीं लेंगे। बात किया था, दरअसल उन्होंने मैं कहा कि सर मेरा कुछ दिक्कतों के कारण मैंने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा था, कुछ दिक्कत कारण नहीं पाया, सबमिट हो पाया, वहाँ सर और उसमें डाउन था। मैं सर से जाकर निवेदन किया सर मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि मैं गरीब छात्र हूँ, मैं वापिस प्राइवेट कॉलेज में भर नहीं पाऊँगा फीस, आप सर उसका एडमिशन कर लीजिए सर। उन्होंने मेरे बात को इनकार करके
शाहिबाबाद के मोहन नगर चौराहे पर रात करीब 2 बजे एक आटे से भरा कैंटर मेट्रो के पिलर में जा घुसा। हादसा होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शाहिबाबाद पुलिस ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को बाहर निकाला। इस हादसे में दोनों व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की वजह से तलाशने में जुट गई है। तेल के लिए अब आपको जेब ढीली करनी होगी। दामों में एक बार फिर उछाल आया है। अब दिल्ली में 78.30 रुपए प्रति लीटर तो मुंबई में 85.72 रुपए पेट्रोल का दाम पहुंच गया है। वहीं डीजल के दाम दोनों शहरों में 69.93 और 74.24 रुपए प्रति लीटर है। एक महीने पहले 30 जुलाई को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 76.25 रुपए था, वहीं डीजल की कीमत 67.75 रुपए प्रति लीटर था। इस प्रकार महीने भर के भीतर ही पेट्रोल के दाम में जहां 2.05 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल के दाम में 2.18 रुपए की भी बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस जियो के 4G फीचर्स फोन जियो फोन 2 की दूसरी फ्लैश सेट आज दोपहर से आयोजित की जाएगी। बता दें कि जियो फोन 2 की पहली फ्लैश सेल 16 अगस्त को आयोजित की गई है। इस फोन की कीमत 2,999 रुपए है। फोन को बुक करने के लिए यूजर्स को कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट jio.com या MyJio ऐप पर जाना होगा। जियो की वेबसाइट पर FAQ सेक्शन में कंपनी ने कहा है कि जियो फोन 2 को 5 से 7 दिनों में डिलीवर कर दिया जाएगा। फोन में 2.4 इंच का QVGA डिस्प्ले है। वहीं 512 MB की रैम और 4 GB इंटरनेट मेमोरी दी गई है। व्यू वाईफाई जैसे फीचर्स भी हैं। साथ ही इसमें लाउड मोनो स्पीकर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।